मेरा नाम शमसुद्दीन भट्ट है, मेरा गांव सुरजिंच लोग है। मेरा मुद्दा ये है कि भी ये अपना चलोक टू धमान रोड जो बना है, 10 साल पहले लैंड को अक्वायर किया गया हुआ, आज तक कंपनसेशन लोगों को नहीं दिया गया। तो मैंने इस सिलसिले में पहले डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी, एसडीएम साहब से लगातार रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, और इसी सिलसिले में जब अभी जो डीसी साहब हैं, इन्होंने हमारी बात को मानते हुए इस कंपनसेशन का अवार्ड जो है चलोक गांव का जो है वो कर दिया गया हुआ है। और इसके लिए पीएमजीएसवाई ने जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो जमा नहीं करवाए अभी तक। तो जैसे एसडीएम साहब से मैंने बात की थी, उन्होंने बताया कि हमारे पास 1.7 सीआर जो है वो जमा करवाया हुआ, रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो है वो पेंडिंग है। तो हमने इनको लिखा है, जो एक्शन साहब हैं बिलावर में डब्ल्यूई साहब, उनको बताया लिखा है कि भी आप फंड्स जो है जमा करवाएं ताकि हम कंपनसेशन डिस्पर्स करें लोगों को। इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी थी पीएमजीवाई चीफ इंजीनियर को लिखती रूप से, 12/8 को लेटर लिखा था उनको। तो मेरे जहन में यही आ रहा है कि हम फिर से एक बार एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करें ताकि हमारी बात को सुना जाए और लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों डिले हो रहा है, किस पार्ट से डिले हो रहा है, क्या वजह क्या है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ये किसी पर्टिकुलरली किसी स्टेट की स्कीम नहीं है कि फंड्स इनसफिशिएंट। अगर फंड्स हैं तो तभी तो रोड बना है। तो एक तो ये मुद्दा है, दूसरा हमने ये डिमांड रखनी है गवर्नर साहब के आगे, लर्न्ड एसडीएम साहब के थ्रू, कि आप से हमारी गुजारिश है कि बस बनी से चंबा के लिए लगाया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे रिलेशंस बनी और चंबा के बीच में गहरे रिलेशन हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, एक ही लोग भाषा बोल पानी है, वो भी पहाड़ी इलाका है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरा मानना ये है कि वो अगर बस लगती है तो ज़रूर हमारा भी दर्शन कर सकते हैं वो इस एरिए के, क्योंकि हमारा भी काफ़ी खूबसूरत एरिया है। और दूसरी है बस की बहुत ज़रूरत है, लोगों का आने जाना बहुत महंगा पड़ता है, अपनी गाड़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, टैक्सी भी अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं। इसलिए हमें इसमें गवर्नमेंट को भी कोई मुश्किल नहीं है कि अगर बस की परमिशन दें, प्राइवेट लग सकती है बस, गवर्नमेंट भी लगा सकती है बस। तो यही हमारी गुजारिश है उनसे, गवर्नर साहब से, कि वो पर्टिकुलरली जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको वो सजेस्ट करें कि इसके लिए बारे में इमीडिएटली वो कदम उठाएं जिससे लोग फैसिलिटेट हो सके। आपने एक टूरिज्म की बात करी, लेकिन अगर हम दुग्गन की बात करें, वहाँ पर कई सालों से जो बिल्डिंग है वो बन रही है, जहाँ तक सवाल है वो अभी भी अनकम्प्लीट है, और वहाँ पे जो हम सीधा कह सकते हैं वहाँ पे जो वो बिल्डिंग है वो अब रिहायशगाह बन चुकी है उन जानवरों माल मवेशियों के लिए। देखिए किस तरह देखते हैं सारा टूरिज्म, आप तो टूरिज्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म आएगा कहाँ जहाँ पर उनको फैसिलिटी नहीं है इन इलाकों में, तो कैसे टूरिस्ट आएगा? देखिए सर, इसी सिलसिले में यही विडम्बना है, तभी दुख दिल में बहुत दुख पैदा होता है कि ये जो सरकारें रही हैं ये तो पता नहीं अपने ऐशो अशरत करती रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या दौलत है, हमारे इलाके में क्या होना चाहिए, रोड कैसे हैं, आप देख रहे हो। पर्टिकुलर टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ, टूरिज़्म ये नहीं है कि आप कोई बिल्डिंग बना दो टूरिज़्म हो जाएगा, ये बिल्कुल कतई मैं इसे आमादा नहीं हूँ, मुतफिक नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि उस इलाके तक के लिए अप्रोच रोड खूबसूरत बने और लोगों को भी फैसिलिटेट किया जाए और इनको अवेयर किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया जाए, जैसे कि हिमाचल में है
गवर्नमेंट ने, धूमल सरकार ने यह कह दिया था कि लोगों को कहा भाई होम स्टे बनाओ आप, गवर्नमेंट आपसे कोई भी किसी किस्म का टैक्स नहीं वसूलेगी, इस तरह की फैसिलिटी लोगों को कम दर पर लोन दें, रोड अप्रोच रोड खूबसूरत बनाएं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लिया जाए। हमें दिया क्या सरकार उन्हें, हमें आज तक मुझे तो बताए कोई भी सरकार बताए कि कुछ दिया गया, कुछ दिया है क्या बनी के लिए। सीमेंट फैक्ट्री जब मैं पढ़ रहा था प्राइमरी स्कूल में स्यारा में, तब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, टेस्टिंग होती थी, तो मेरे ख्याल में मैं 72 की बात कर रहा हूँ, 72 से आज तक उसके लिए कोई सोचा नहीं गया। यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो अपना मकसद हल करने के लिए आगे आते हैं, कोई कठुआ से उठ के आता रहा, कोई बसोली से उठ के आता रहा, कोई यहाँ से बिस्तरे नब्बे गब्बे लेकर के सोते बैठते उठते रहे, कोई काम कर किसी का नहीं किया। और मैं आपको एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे दुख है इस चीज़ का, क्योंकि मैं इंसान हूँ ना, मेरा बर्थ है यहाँ का, मुझे दुख होता है कि हम लोगों का रहन सहन देखो क्या हाल कर दिया इन लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी की देखो आप, पानी का देखो आप, क्या रहेगा जो डिमांड्स आप रखेंगे। हमारी डिमांड्स यही है पर्टिकुलरली, ये दो डिमांड्स गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसके लिए इमीडिएट कंसर्न डिपार्टमेंट को हदायत करें, वो इसके लिए देखें क्या हम ठीक कह रहे हैं। आज मैं अकेला कह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि किसी मैं किसी किस्म का वो फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लोगों का हित वो जाने देखें सोचें समझें। अगर डिमांड्स नहीं सुनी जाती तो आगे के क्या रहेगा? नहीं, डेफिनेटली हम इसको, अगर हमने स्टेप किया है तो पूरा स्टेप करेंगे इसके लिए। इसके लिए हम अपने मंत्री महोदय को भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो MP साहब हमारे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, 33 साल से बराबर में काम करता आ रहा हूँ, 30 ईयर्स से मैं बराबर भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सरकार जो है दिल्ली के अंदर है वो डेफिनेटली सुनेगी, मुझे इसमें कुछ कोई संदेह नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी डिमांड्स हैं, मुझे पूरा एतमाद है, यकीन है कि ये पूरी हमारी डिमांड्स जो सुनी जाएंगी, मुझे उस चीज़ की कोई भी किसी की शंका नहीं है। शॉप जो अभी न्यू ओपन हुई है, यहाँ पे हम 10% डिस्काउंट रखा है, हमारे पास सभी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे। सर, यहाँ के जो गरीब तबका हैं वो बाहर जाते हैं तो वो एफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका खर्चा बड़ा हो जाता है, तो उनके लिए हम सोच रहे हैं कि उनको हम थोड़ा 15% डिस्काउंट दे दें, जो भी हमारे पास दवाइयाँ होंगी स्टैंडर्ड, हाँ, हैंडीकैप्ड हैं, आर्मी पर्सन हैं, उनको हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। ज़रा पता बता दीजिए अपनी दुकान का। ये जैसे सर आप बाज़ार की तरफ इंटर होंगे तो यहाँ पे बनी पब्लिक स्कूल के बैक साइड हमारी दुकान जो है।